जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा। ये पंक्तियां हैं गोपाल दास नीरज जी की, और इसी से हम शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। नमस्कार, आप सुन रहे हैं द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट विद मी गौरव सिन्हा। वेस्टर्न देशों में आजकल एक वर्ड बड़ा फेमस है, मिनिमलिज्म, यानी न्यूनतमवाद। वो देश इतनी तरक्की कर चुके हैं और मटेरियलिज्म में इतना डूब चुके हैं, खो चुके हैं, कि वहाँ के लोग मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल अपना कर फिर से खुद को खोजने में लगे हैं। मिनिमलिस्टिक होने का मतलब यही है कि कम से कम चीज़ों में अच्छे से अच्छा कैसे जिया जाए। अपने आसपास की ऐसी चीज़ें जिन्हें कुछ महीनों या सालों से इस्तेमाल नहीं किया हो, उनसे छुटकारा पाना और धीरे धीरे उन्हीं चीज़ों को जगह देना जिनके बिना गुजारा ना हो सके। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि वो चीज़ें जो शोपीस बनी हुई हैं उनके पास जाएंगी जिनको उनकी सच में ज़रूरत हो। अपने देश में भी आजकल इस ट्रेंड का थोड़ा बहुत असर तो है, पर यहाँ तो हम पहले से ही इसी फिलॉसफी पर जीते आए हैं। मुझे याद है बचपन में पेंसिल का डब्बा तो आता था घर पर, लेकिन एक एक पेंसिल का हिसाब रखा जाता था, कितने दिन चली, कहाँ कहाँ चलाई गई। एक तरह का कंपटीशन होता था कि किसकी पेंसिल ज़्यादा दिन चली, और इसका फ़ायदा ये होता था कि हम तब तक उसे चलाते थे जब तक पेंसिल के निब को किसी भी तरह पकड़ कर लिखा जा सके। बड़े भाई बहन के जो कपड़े जूते वो सालों तक छोटे भाई बहन पहना करते थे, आज भी ज़्यादातर परिवारों में यही चलन है। रही बात गैर ज़रूरी चीज़ों की, वो भी संभाल कर रखी जाती हैं और रद्दी वाले से उसके भी पैसे वसूले जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग तो पहले से ही सेविंग्स करके चलने वाले लोग हैं, तो मिनिमलिज्म वाला जो ये कॉन्सेप्ट है ये तो हम पहले से ही जानते हैं। जानते तो हैं पर क्या सच में हम इसे फॉलो करते हैं, ये सोचने वाली बात है। आजकल बड़ी बड़ी शादियों और प्री वेडिंग फंक्शंस की धूम देखने को मिलती है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं। अब भाई पैसे हैं तो खर्च कर रहे हैं लोग, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन जिस देश में 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा हो, जो देश हंगर इंडेक्स में हर साल नीचे सरकता जा रहा हो, उस देश में समाज में ये बुरा ना भी हो तो अजीब तो है ही। और ऐसा बिल्कुल ना समझें कि अरबपति और खरबपति ही ग्रैंड शादियां कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से इंडिया में लोग ऑन एवरेज शादी पर तकरीबन 12.5 लाख खर्च करते हैं, जो कि उस लड़का और लड़की की पढ़ाई पर होने वाले कुल खर्च का दुगना है। ये सिर्फ एवरेज है। अगर हाल फिलहाल में आपने शादी की है या फिर किसी और की शादी अटेंड की है तो आपको पता ही होगा कि खर्च एवरेज से डबल तो रहता ही है। इस खर्च में हम दहेज जैसी इलीगल प्रथा की तो बात ही नहीं कर रहे। फिल्मों और न्यूज़ में शादियों की जो धूमधाम हमें परोसी जाती है उसे हम धीरे धीरे नॉर्मलाइज कर देते हैं कि इतना तो होना ही चाहिए, फिर चाहे लोन लेकर ही किया जाए। हम ये भूल जाते हैं कि शादी के दिन के बाद किसी को कोई मतलब नहीं होता, खाने और बाकी चीज़ों की बुराई करने में हम सब बिज़ी हो जाते हैं, और फिर वो धूमधाम बस शादी की एल्बम और वीडियो में ही रह जाता है। ठीक वैसे जैसे म्यूज़ियम में पुरानी चीज़ें रहती हैं, पर उन्हें देखने कितने लोग आते हैं ये हम सब जानते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग ने भी हमारी इस फिजूल की चीज़ों को जमा करने की आदत को बढ़ाया है। आसानी से मिल रहा है, सेल में मिल रहा है, खरीद लो, फिर चाहे वो इस्तेमाल हो ना हो। हम बचपन में सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग का ज्ञान सुनते हुए बड़े हुए, आजकल ये बहुत कम सुनने को मिलता है। उसके उलट हम अक्सर खुद को ही ये कहते सुन सकते हैं कि भाई जो दिखता है वही बिकता है। जहाँ तक बात खरीदने और जमा करने की है, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं जैसे किताबें, उन्हें जितना जमा किया जाए उतना अच्छा। रही बात शादी पे खर्च करने की, तो सोचने वाली बात है, दोनों तरफ के परिवार सोच विचार कर कम से कम खर्च करें,
दिखावे से ज़्यादा आपसी मेल मिलाप पर ध्यान रहे तो बेहतर होगा और मज़ा भी ज़्यादा आएगा। इस बात के रिकमेंडेशन में एक पॉडकास्ट पारुल शरण संवेदना जी का, जिसका नाम है किस्से कहानियाँ विद पारुल शरण संवेदना। इसके पहले सीज़न में 10 कहानियाँ हैं अलग अलग भाव लिए हुए, और कहानियाँ सुंदर कविताओं से सजी हुई हैं। उनमें से एक एपिसोड है सूटकेस, जो दहेज प्रथा पर है, तो उससे शुरुआत कर सकते हैं। आपके न्यूनतमवाद यानी मिनिमलिज्म को लेकर क्या विचार हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं, या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वहाँ अपने विचार मुझसे साझा कर सकते हैं। गोपाल दास नीरज जी की जिन पंक्तियों से हमने शुरुआत की थी इस एपिसोड की, उसी से एपिसोड का अंत भी करते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा, जितनी भारी गठरी होगी उतना तू हैरान रहेगा, उससे मिलना नामुमकिन है जब तक खुद पर ध्यान रहेगा, हाथ मिले और दिल न मिले ऐसे में नुकसान रहेगा, जब तक मंदिर और मस्जिद हैं मुश्किल में इंसान रहेगा, नीरज तू कल यहाँ न होगा उसका गीत विदान रहेगा। आप सुन रहे थे द क्रिएटिव जिंदगी पॉडकास्ट विद गौरव सिन्हा।